गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं दोपहर का देर, और जैसे कि आप सभी को पता है मेरी मम्मी जो है वो चली गई है, तो घर की जिम्मेदारियां है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खाना बनाना, काम करना घर के। और एक तो आपको सभी को पता है मेरे घर में जो हमारी मौसी है वो नहीं है, और मतलब बर्तन मांजने के लिए है, और बाकी के काम करने बाकी के जो काम है वो मुझे करने पड़ रहे हैं। सो एनीवेज ये काम तो चलते रहेंगे। ओके, तो आज है मंडे और मैं अभी बना रही हूँ पराठे, क्योंकि मुझे अब बहुत ज़्यादा मन कर रहा था पराठे खाने का। और मम्मी होती थी तब मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता था कि खाने में क्या बनाना है, क्योंकि मेरी मम्मी सजेस्ट करती थी कि मैं ये बनाऊँगी ये बनाऊँगी ये बनाऊँगी। तो मम्मी जो होती है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मम्मी जो होती है आपकी वह आपके हर एक काम को मतलब अच्छी तरीके से संभालती है, और मुझे मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ओके, मेरी मम्मी मुझे बोल रही थी आप भी आ जाओ, बट मैं नहीं गई क्योंकि अभी जो है मतलब हमारे शॉप में मतलब बहुत सारे कस्टमर भी है होते हैं, तो इस वजह से मैंने गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरी हेल्प भी चाहिए होती है। और गणेश दीदी देखिए क्या कर रही है इस लैम्प के साथ बच्चा। अच्छा दिखाओ कैसा लैम्प है आपका। थैंक यू। अच्छा तो ये जो लैम्प है हमने मार्केट से लिया था, जब दिवाली की शॉपिंग हो रही थी हमारी तब हमने इसे परचेज किया था। और इसके सारे पार्ट जो है स्वामी श्री गणेश मतलब अलग अलग कर देती है और उनको फिर से जॉइंट करना पड़ता है हमें, और ये बहुत बड़ी मुसीबत की बात होती है। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, और यहाँ तक इसकी जो की है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो सारा मतलब यहाँ से वहाँ से यहाँ फेंक देती है। और स्वामी श्री का जो लैम्प है वो पता नहीं मुझे कहाँ पे चला गया है, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा चिल्लाएगी। स्वामी दीदी, हाय स्वामी दीदी। स्वामी दीदी आप कहाँ गए थे? वहाँ पे यहाँ पे करो। नीचे करो यहाँ पे यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे। कहाँ आएगा? अच्छा गेते लजावा स्वामी दीदी गण दीदी घेतील जा स्वामी दीदीला नको स्वामी दीदी गण दीदी जवळ घे बच्चा एक कुकीज खाना है। अच्छा बटर कुकीज। वाव मुझे भी तो बच्चा मैं ये खाऊं। नहीं। तो ये जो कुकीज है आप देख सकते हैं कितने छोटू से क्यूट से कुकीज है। तो ये कुकीज जो है हमने डीमार्ट से लाए थे और हमने बहुत सारे हमें रिश्तेदार को ही गिफ्ट किए, ये मेरे फर्स्ट टाइम लाए थे और बहुत सारे मेरे रिश्तेदारों को गिफ्ट भी किया और उनको भी बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा, क्योंकि बहुत जानी पहचानी सी कंपनी नहीं है। मैं खाती हूँ। जो कुकीज़ है ना इतने मतलब ताज़े हैं, मुझे लगता है मैंने इतने अच्छे कुकीज़ कभी भी नहीं खाए, बिल्कुल भी नहीं। और ये जो क्या एडिक्शन जो है कलेक्शन जो है ये है सिल्वर कलेक्शन, और मैंने अपने मम्मी को भी एक गिफ्ट दिया तो वो था गोल्डन कलेक्शन, और मतलब उसमें भी वही कुकीज़ है। मैंने बहुत सारे मेरे रिलेटिव जो है तो उनको मोस्टली मैंने गोल्डन ही दिए थे, गोल्डन कलेक्शन दिया था, मैंने अपने लिए सिल्वर कलेक्शन दिया था इस कुकीज़ का, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और
स्वामी जी को भी बहुत अच्छा लगा है ना स्वामी जी। स्वामी जी को भी अच्छा लगा। और गणेश जो अभी सो गई है क्योंकि तो उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और बहुत ज़्यादा रोई जा रही है, पता नहीं बिना वजह वो रोई जा रही है आज किसी भी रीज़न। कभी कभी बच्चों को है ना कुछ भी रीज़न नहीं होता है और इतना परेशान कर देता है। और मेरा सिर जो है बहुत ज़्यादा फटा जा रहा है। और मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो दोपहर को क्या हो गया था, मैंने सुबह नहाया, गीज़र जो है वो ऑन रह गया और दोपहर को मुझे याद आया कि मैंने गीज़र का स्विच जो है वो ऑफ़ नहीं किया था। तो मैं स्विच जो है ऑफ़ करने के लिए गई तो वो जो स्विच है वो मतलब पिघल गया था, स्विच के ऊपर का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा पिघल गया था और गीज़र जो है वो ऑन नहीं हो रहा था। उसकी जो लाइट होती है रेड लाइट लगती है वो नहीं लग गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रही थी ये कैसे क्या हो गया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और मेरे हस्बैंड ने जो इलेक्ट्रिशियन जो है उनको पूछा कि आपने क्या किया है, क्योंकि उन्होंने पता है मतलब हमने उन पर इतना ट्रस्ट रख के ये जो स्विच लगवाया उन्होंने हर की क्वालिटी का लगाया था, यानी कि 8-10 दिन में ही, मतलब आपको पता है मैंने इसी मंथ में ही लगाया था गीज़र और अभी 8-10 ही दिन ही हुए मुझे लगता है गीज़र को लगवाए हुए और इतना हल्का क्वालिटी का लगा और उस गीज़र से इतनी प्रॉब्लम हो रही है हमें पता है। जब भी हम उस गीज़र को लगवाते हैं मतलब ऑन रहता है तो हमारी फ्यूज चली जाती है, उस गीज़र से हमें मतलब इतना नुकसान हो गया है, इतना मतलब फ्यूज का मतलब इतना प्रॉब्लम हो चुका है मैं आपको बता नहीं सकती। फिर बोला यार 8-10 दिन ही हो गए और ये मतलब इसके वजह से फ्यूज चली जा रही है ऑन रहने से। और फिर उसके बाद ये बटन भी मतलब पूरा पिघल गया था, यानी कि आप सोच सकते हो। उस बंदे ने बोला कि आपका जो गीज़र है वो बहुत देर तक चला रहा, स्विच जो है बहुत देर तक चला रहा तो इस वजह से। देखिए स्वामी श्री ने उसका झूठा मुझे खिला रही है बिस्कुट, अभी उसको पानी चाहिए, मैं उसको पानी देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ऐसा थोड़ी ना होता है कि गैस गीज़र का जो स्विच है ऑन रहने के बाद थोड़ी ना मतलब ख़राब हो जाता है। तो मैंने उनको बोला कि मेरी मम्मी के घर पे भी मतलब दो मान तो मेरे उनको बोला उस इलेक्ट्रिशियन को कि हमारे मम्मी के घर पे भी ये गैस गीज़र है बट वो तो बहुत देर, कभी कभी पता है आपको एक दिन भी चला मतलब ऑन रह जाता है गलती से, तो ख़राब तो कभी हुआ नहीं हमारे घर का स्विच। और मतलब उस बंदे ने अपनी गलती छुपाने के लिए हमारे सर पे बोल दिया कि आपने इतने टाइम रख दिया। फिर मेरे हस्बैंड अभी उसके साथ गए, वो स्विच दिया मतलब कौन सा स्विच आप लाने वाले हो मुझे बताइएगा और पहला स्विच आपने कहाँ से लिया है वो भी बताइएगा। और अभी रात के 7 बजने वाले हैं, खाना अभी मुझे बनाना है, रोटियां मैं गर्मा गर्म बनाने वाली हूँ और मैं आज बनाने वाली हूँ शिमला मिर्च की सब्ज़ी, रोटियां शिमला मिर्च की सब्ज़ी और दाल राइस, देखती हूँ मैं बनाती हूँ या नहीं। क्या हुआ बच्चा, 2 मिनट। और दोपहर को क्या हो गया कि मतलब सुबह का क्या हो गया कि गीज़र का जो स्विच है वो मुझसे ऑन रह गया और गलती से ऑन रह गया, ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ कर रख दिया, ऑन रह गया। और मैं घर के काम करने में जुटी हुई क्योंकि बहुत सारे काम थे, आज मम्मी भी नहीं थी तो बहुत सारे काम मुझे करने थे, खाना बनाना, घर की क्लीनिंग करना, वो सब कर रही थी। उस टाइम में भूल गई कि गीज़र का जो स्विच है वो ऑफ़ करना है। फिर उसके बाद मुझे 1-2 बजे याद आया कि मैंने स्विच जो है वो ऑन ऑफ नहीं किया है और मैं ऑफ़ करने के लिए गई। क्या हुआ बच्चा, और स्विच जो है मैं ऑफ़ करने के लिए गई तो पता नहीं वहाँ पे मतलब स्विच के यहाँ पे 2 मिनट बच्चे स्विच के यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जला हुआ पार्ट दिखा, मतलब पिघला हुआ दिखाई दिया, मतलब स्विच के ऊपर जो पार्ट होता है एक कुछ तो पार्ट होता है तो वो पिघला हुआ दिखाई दिया। और जो स्विच ऑन था एक्चुअली और जो गीज़र का जो मेन पार्ट होता है जहाँ पे रेड लाइट लगती है तो वो भी दिखाई नहीं दे रही थी, मुझे लग रहा था ये क्या हो गया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को जल्दी से फ़ोन किया, मुझे लगा ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया है। फिर से
कि गीज़र की वजह से कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो मेरे हस्बैंड ने इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया जिसने मतलब ये गैस गीज़र सॉरी गीज़र जो लगवाया था उनको फ़ोन किया और उनसे पूछा कि ये क्या हो गया। तो वो आए और उन्होंने बोला कि ये जो गीज़र है मतलब बहुत देर तक चालू रहने से ख़राब हो गया। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा 8 दिन में मतलब ये ख़राब हो गया क्या पूछे? मेरे हस्बैंड ने उनको पूछा 8 दिन में कौन सा ऐसा गैस गीज़र का स्विच जो है वो ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद उसने बोला बहुत सारे बहाने कर रहा था कि ये होगा वो होगा। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि इस गीज़र जब से मैंने इस गीज़र को लगवाया तब से हमारी फ्यूज चली जा रही है, लाइट भी घर की लाइट चली जा रही है, कुछ ना कुछ इस गीज़र की वजह से हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ रहा है, आपने कुछ मतलब घटिया क्वालिटी का कुछ तो सामान लगवाया होगा क्योंकि सारा सामान जो है उस बंदे ने ही लाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड उस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो उन्होंने बोला कि आप ही सारी चीज़ें लाओ और आपको पता है हम इन लोगों पे जब डिपेंड रहते हैं तो सारी चीज़ें ख़राब ही लाते। तो उसने बहुत फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने पूछा कि आपने ये कहाँ से लाया। फिर मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे जाके इंक्वायरी की तो वहाँ पे पता चला कि इन्हें बहुत लो क्वालिटी का जो स्विच जो होता है वो लो क्वालिटी का लिया और मतलब पैसे जो है हमसे बहुत ज़्यादा लिए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उसको इतना मतलब डांटा, बहुत ज़्यादा डांटा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो बहुत शांत है बट अगर उनका मतलब गुस्सा चढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने उसको डांटा और फिर उसके बाद उसको साथ लेके चले गए और दूसरी जगह से और अच्छी क्वालिटी का स्विच जो है वो लाया क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा बिजी थे शॉप में क्योंकि आपको पता दशहरे के बाद या इसे कुछ तो ये सब हुआ था, शॉप में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वो हमेशा हमारे घर में काम करता रहता है। तो हमें मतलब सतर्क रहना चाहिए कि ये लोग मतलब ऐसा हेरा फेरी करते रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने उसको जाके बहुत ज़्यादा डांटा। और ये सब होने के बाद अभी जस्ट 6 बजे मेरे हस्बैंड ने उसे बुलाया और फिर सारा जो काम है वो करवा लिया उनसे और अभी वो जो गीज़र है वो अच्छी तरीके से मतलब ठीक हो गया है। स्वामी दीदी आप कितना खा रहे हो? इनको दो ना, इन सबको दो ना बच्चा, हमको दो खा। गर्ल दीदी कहाँ पे, क्या हो गया? ये बच्चे क्यों नाराज है? ये बच्चे बहुत नाराज होगा, स्वामी जी बहुत ज्यादा नाराज है ना। किशिदो किशिदो ना किशिदो, अरे बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है बच्चा। तो अगर कल आपने बिग बॉस देखा होगा तो कल बिग बॉस में मुझे लगता है ढिंचक पूजा, हाँ ढिंचक पूजा स्पेशल था, वाइल्ड कार्ड एंट्री आई है उसकी और इतनी हंसी आ रही है सब घर वालों को ढिंचक पूजा की वजह से। शिल्पा शिंदे और हीना जो है वो मतलब थोड़ी सी इरिटेट लग रही है उस वजह से क्योंकि ढिंचक पूजा जो है एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेमस है, हम सबको पता है, कॉमन मतलब सभी को पता है अभी ढिंचक पूजा। तो इस वजह से क्या होता है जो क्या हुआ, अच्छा दो मिनट, तो इस वजह से क्या हुआ होगा शिल्पा को और हिना को थोड़ा सा मतलब ये हुआ होगा ना कि अभी ये ज़्यादा फेमस है तो हमसे ज़्यादा फुटेज खाएगी ये वो ये, तो इस वजह से वो थोड़ी सी मुझे लगता है नाराज़ लग रही है हिना खान और शिल्पा शिंदे। और शिल्पा शिंदे मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा, वो भी एक महाराष्ट्रियन है और मैं भी एक महाराष्ट्रियन हूँ, वो बहुत स्ट्रांग बनती दिखती है मुझे शिल्पा शिंदे क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ हुआ और उसने मतलब बहुत कुछ सहा है। अब अगर उसको फॉलो करते क्या हुआ बच्चा, तो और ये सब हुआ और अभी जो है मैं अभी खाना बनाती हूँ फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद क्योंकि स्वामिश्री को जो है बहुत ज़्यादा भूख लगी है। गणु दीदी दूध पी रहा है बच्चा, दीदी गणु दीदी खाना है खाओ। वाह क्या हो गया, क्या हो गया मेरे बच्चे को, खाना नहीं है? नहीं खाना, नहीं खाना,
पापा आने के बाद स्वामी जी, अगर आपको खाना है तो खाओ, नहीं तो बंद कर दो वो डब्बा। नहीं अभी उसको नहीं खाना है, नहीं तो खराब हो जाता है। ये रख दो, रख दो इसमें बच्चा। हाँ रख दो, गुड गर्ल, थैंक यू। गन दीदी, स्वामी दीदी पढ़ाई कर रही है। गन दीदी क्या हो गया आपको, क्या हो गया बच्ची को? हा? और क्या हो गया, हमारे घर के सारे कांच के जो ग्लास है वो ब्रेक हो गई, और ये है इनकी मेहरबानी, कुछ हमारी मेहरबानी, कुछ मेरी सिस्टर की मेहरबानी, हम सब के हाथों से एक एक जो है वो सारे ग्लास टूट के डी मार्ट के जो बच्चे कुछ हुए थे वो भी सारे के सारे टूट, मतलब धोते वक्त भी कुछ ग्लास टूट गए। और मैं बिल्कुल भी कभी भी डी मार्ट से ग्लास नहीं लाऊंगी, क्योंकि बहुत हल्की क्वालिटी के होते हैं। और मैं अभी जहाँ पे क्रॉकरी की जो शॉप होती है, जहाँ पे जस्ट ग्लास मिलते या फिर कप्स मिलते, तो मैं वहीं से लाऊंगी। दो मिनट बच्चा। और आज उसको मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था स्टील के ग्लास में दूध पीना, क्योंकि वो बिल्कुल भी मतलब स्टील के ग्लास में दूध नहीं पीती, मुझे पता है उसका आदत ही नहीं कनेश्री को। और आज क्या किया स्वामी श्री कनेश्री ने, ये जो वाला इयर रिंग्स है, यानी कि ये गोल्डन वाला इयर। दो मिनट बच्चा, दो मिनट, अब बाद में बात करो। और क्या हुआ, स्वामी श्री गणेशी ने मेरा गोल्डन वाला इयर रिंग जो है वो घुमा दिया है, पता नहीं कहाँ पे रख दिया है। और ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट इयर रिंग था, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट। और मुझे मतलब एक्चुअली ये मेरी थोड़ी सी गलती, क्या हुआ था कल दोपहर को हम हमारे जो रिलेटिव है उनके घर से आए, और मैंने उसे जस्ट निकाल के बेड के ऊपर रख दिया, और वहीं से इन दोनों ने कुछ शरारत की, कहीं पे एक तो घुमा दिया है या फिर कहीं पे छुपा के रख दिया, क्योंकि छुपा के रख देती, मुझे बताती कि उन्होंने कहाँ पे रख दिया है। बट मैंने उनको बहुत बार पूछा कि इस इयर रिंग को आपने कहाँ रख दिया दूसरे पेयर को, तो वो मतलब बता नहीं रही है। तो मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा कि ये चीज़ें उन्होंने, ये जो इयर रिंग है वो उन्होंने कहाँ पे रखा है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है और मुझे इतना अच्छा लगा था, कितना अच्छा आप देख सकते हो इस इयर रिंग को। एनीवेज बच्चे होते तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। और आज का ये जो व्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सभी को ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपके मेरा व्लॉग कैसा लगा। लाइक करो, ये कर दीजिए, लाइक करो। बाय बाय।